खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए त्याग का सौंदर्य, तपश्चर्या का सौंदर्य। विवेकानंद बहुत सुंदर थे, खूबसूरत संत थे, अमेरिका गए, तेज था उनके चेहरे पर। एक स्त्री ने उनका प्रवचन सुना, वह आसक्त हो गई उन पर, मोहित हो गई संत पर, संत को अपना सब कुछ मान चुकी। विवेकानंद के कमरे में गई, बोले स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी जी ने कहा कि देवी क्यों? बोले आपके विचार बड़े महान हैं, आप बड़े खूबसूरत हैं, आपका चिंतन बहुत अच्छा है। ए वास्तु दोष खड़े रहेगा क्या, इतना बड़ा फोटोग्राफर बन गया, विचार करिए। आपका चिंतन, आपका सोच मुझे बहुत पसंद आया, आपकी जीवन शैली मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती है? मैं चाहती हूं कि आपके जैसी संतान की मैं मां बनूं, मेरी कोख से तुम्हारे जैसा बेटा पैदा होना चाहिए। स्वामी जी 2 मिनट मौन रहे, उन्होंने कहा देवी तू मेरे जैसे बच्चे की मां बनना चाहती है? बोले हां संत जी, मैं भी आपके जैसे बच्चे को जन्म दूं, उसकी मां कहलाऊं। स्वामी जी अपने आसन से उठे, जाकर के उस देवी के पैर पढ़े, बोले देख तुझे मेरे जैसा बच्चा चाहिए तो शादी की क्या जरूरत है, आज से तू मेरी मां है और मैं तेरा पुत्र हूं। आज से मैं दर्जा देता हूं कि मैं तुझे अपनी मां मानता हूं और मैं तेरा बेटा हूं। शादी के बाद मेरे जैसा हुआ नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं, और मेरे जैसा क्यों, मैं ही तेरा बच्चा हूं और तू मेरी मां। क्या महान लोग रहे लोग धरती पर। ध्यान रखना, नजरें झुक गईं उस महिला की और उसने कहा, स्वामी जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि ये हमारे भारत के हीरो हैं, हीरो। ध्यान रखिए इन्हें हीरो कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हमारे देश के नायक लोग हैं। मान्यवर एक बात तुम्हें मालूम होगी ना, बहुत प्रेम था पत्नी से, इतना प्रेम, इतना प्रेम, पत्नी के बिना जी नहीं सकता था। सुबह शाम रात दिन पत्नी ही पत्नी नजर आती। एक दिन वह पत्नी अपने पीहर चली गई, मायके चली गई, रह नहीं सका। रत्ना, रत्नावली, तेरे बिन मैं जी नहीं सकता हूं, तेरे बिन मेरा दिन दिन नहीं, रात रात नहीं, खाने का मन नहीं करता है, सावन का महीना। पत्नी गई राखी बांधने भाई को, भाग गया 12 बजे रात को, मूसलाधार बारिश, झमाझम बरसात, भाग गया रत्नावली के पास, ससुराल चला गया। इतनी उफान पर गंगा, इतनी उफान पर, इतनी उफान आ रही थी, बाढ़ आ रही थी गंगा में, क्या देखा, रात को 12 बजे अंधेरी रात, मुर्दे को नाव बना लिया, मुर्दा बहरा था उस पर बैठा, गंगा पार कर गया। जैसे ही पहुंचा ससुराल में, महल में, क्या देखता है कि खिड़की खुली है, रत्नावली मेरा इंतजार कर रही है, मेरा राह देख रही है। क्या देखता है, फटाफट खिड़की पर चढ़ता है, डर भी लग रहा है, सास ससुर कहेंगे बावले तुझे इतनी रात को आने की जरूरत क्या थी, सुबह आ जाता फिर मिल लेता। रत्नावली को देखे बिना मन नहीं लगता है, क्या करे, चढ़ गया फटाफट ऊपर खिड़की से, अंदर कूदा, रत्नावली। रत्नावली ने कहा कौन इतनी रात में आवाज दे रहा है, देख मैं आ गया, तू मेरी राह देख रही थी ना, मैं राह देख रही थी, देख मैं 12 बजे रात को इतनी झमझमा बारिश में तेरे पास आया हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता रत्नावली। उसने कहा पागल बावले तू ऊपर चढ़ा कैसे? बोले तूने ही तो रस्सी डाल रखी थी ना, इससे पकड़ के ऊपर आ जाना। रत्नावली ने झांक कर देखा, रस्सी नहीं, वो अजगर लटक रहा था, सांप लटक रहा था, सांप को रस्सी मानकर चढ़ गया ऊपर। रत्नावली ने देखा इतनी आसक्ति, मेरे लिए इतना जीवन नेछावर,
रत्नावली ने कहा हट यहां से। उसने कहा पागल, तेरे लिए मैं आया हूं। मुर्दे को नाव बनाई, सांप को रस्सी बनाई, चढ़ गया मिलने के लिए विरह वेदना में। सकल कामनाओं को देता हुआ चला वियोगी, मिट जाती प्रेम पिपास अगर गले लग जाती रत्ना। विचार करिए, रत्नावली एक कदम आगे थी, वो गले नहीं लगी। उसने कहा पागल, इतना प्यार करता है मुझे? बोले बहुत प्यार करता हूं, तेरे बिना रह नहीं सकता हूं। रत्नावली ने कहा पागल, जितना प्यार मेरे से करता है ना, उतने अपने राम से करता तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाता, तेरे जीवन का। तू निकल यहां से, आज के बाद मेरे पास मत आना। चोट लगी एक सीने में, पत्नी ने कहा निकल जा यहां से, इतना प्यार तू राम से कर, परमात्मा से कर। सकल कामनाओं को देता चुनौती चला वियोगी, मिट जाती प्रेम पिपास अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी तुसुत तुलसीदास। ध्यान रखना, जाओ राम से प्रेम करो, जाओ भगवान से प्रेम करो, मेरे प्रेम में जीवन को नष्ट मत करो। भाग गए तुलसीदास, एक चोट लगी, पत्नी जिसके लिए सब कुछ कर रहा उसने तिरस्कार कर दिया मेरा, छोड़ के चल दिए। जाग गया भीतर का परमात्मा, तुलसीदास पूरी रामायण के रचयिता बन जाया करते हैं। मालूम है तुलसीदास से पूछा, इतनी बड़ी रामायण कैसे लिख दी, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको तो कुछ आता नहीं। तुलसीदास ने क्या कहा, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास, हो गई कृपा राम।